फर्स्ट टाइम मुझको जाना था चाइना, तो रात में ना थोड़ा हो रहा था कि कैंसिल कर देती हूँ, फर्स्ट टाइम दूसरी कंट्री जाना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में सोचा नहीं, अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी लेकर जाएगा। अब वहाँ जब एयरप्लेन में बैठे तो थोड़ा और ज़्यादा डर लगा कि उतर जाती हूँ क्या ज़रूरी है, वहाँ से कर लेंगे देख लेंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, अब जाना है तो जाना है। फिर वहाँ हम पहुँचे तो बड़ा मतलब बहुत अलग माहौल था वहाँ का, क्योंकि कल्चर डिफरेंस यहाँ का और वहाँ का बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। तो खैर जब वहाँ पहुँचे तो मतलब ठीक है, वहाँ थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई थोड़ा टेक्नोलॉजी है वो है, अच्छा लगा वहाँ जाकर भी, फीलिंग अच्छी आई। लेकिन वहाँ इस पर्टिकुलरली गोंगजो एरिया में मैंने देखा है कि वहाँ ना बहुत लोग वॉक मतलब जितना भी उनको चलना होगा ना डिस्टेंस, या तो साइकिलिंग करेंगे या वॉक। अच्छा, अच्छा। हाँ, वहाँ हमारे यहाँ जैसे हम लोग यहाँ तो थोड़ा ये है कि भाई इतना नहीं चलेंगे, ये जरा सा दूरी के लिए भी रिक्शा या गाड़ी चाहिए। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ खैर हम लोगों को स्टार्टिंग में बहुत चलना पड़ता था, तो अब आदत भी हो गई है कि ये चलना, इधर चलना, उधर चलना। अब ज़्यादातर इन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, तो वहाँ ऐसा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इम्प्रेशन बहुत अच्छा लगा। लैब से आए हुए थे दो लोग रिसीव करने के लिए, तो अब वहाँ जाकर फिर हॉस्टल अरेंजमेंट हुआ, बड़ा अच्छा लगा वहाँ। लेकिन वहाँ का वेदर भी है अच्छा है, लेकिन वहाँ अनप्रिडिक्टेबल बारिश होती है। ओके। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि आप निकले हैं तो सुबह धूप है, दोपहर में पहुँचे तो फिर बारिश, तो ये है थोड़ा एडजस्टमेंट में थोड़ा वेदर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है, ये मुझे पहली बार पता चला है जी। एक मिनट आपको रोकूंगी मुनीबा, हमारे साथ है मुनीबा फायजा जो कि साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से PhD कर रही हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। और मुनीबा ओरिजिनली मुजफ्फरनगर से हैं, और तो मुनीबा आप ही कंटिन्यू कीजिए, आप चाइना के बारे में कुछ बता रही थी जी। आप कैसे वहाँ गई, आप कैसे एनरोल हुई? मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो खतौली से हुई है, वहाँ एक मुजफ्फरनगर के पास एक छोटा सा कस्बा है, जी मैं वहाँ से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है, 10th हाई स्कूल मैंने वहाँ से पास किया है, फिर सीनियर सेकेंडरी मेरा मुजफ्फरनगर से रहा है। उसके बाद मैं पहले इधर गई, DU में मेरा एडमिशन हुआ इधर खालसा कॉलेज में नॉर्थ कैंपस, लेकिन क्योंकि इधर ओखला में रहना होता था तो अप डाउन करना बहुत मुश्किल था, उस टाइम में फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी। अच्छा, आप ओखला में रहती थी पहले? जी जी जी। अच्छा, इधर यहाँ मैं अपनी रिलेटिव्स के ही थी जी जी, तो अप डाउन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे वहाँ से विड्रॉ कराना पड़ा। फिर एक साल पूरा इसी उसमें गुजर गया, थोड़ा डिप्रेशन भी हुआ कि पता नहीं अब दोबारा, क्योंकि नॉर्थ कैंपस में आपको एडमिशन चाहिए, मतलब मिल गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो खैर फिर थोड़ा टेंशन भी हुई, पूरे साल ऐसे ही गुजर गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा वो हो गया था दयाल सिंह कॉलेज में। अच्छा, तो वहाँ भी मुझको लाइफ साइंस ही मिला, वहाँ भी BSc लाइफ साइंस था खालसा में, फिर दयाल सिंह में हुआ, तो लगा कि हाँ वो डिसीज़न अच्छा था, क्योंकि एक तो आपका ना लाइफ बहुत सफ़र करती है जब आपका कॉलेज या ऑफिस कुछ भी आपका दूर है, स्पेशली बहुत दूर है, तो इसीलिए फिर दयाल सिंह में हुआ, वहाँ बड़ा अच्छा, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जी, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे बने उधर, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखी, खाना बहुत ज़रूरी है तो खैर बहुत सारी लड़कियों के साथ इशू होता है, मतलब स्किप करना ही है उनको, तो वो सब मैंने बहुत अच्छे से देखा, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ को बहुत पास से देखा मैंने, पूरे 3 साल जो बैचलर्स के मेरे गुजरे हैं उस दौरान भी। फिर अल्लाह ताला का करना ऐसा था कि मास्टर्स में भी नेक्स्ट ईयर हो गया मेरा, मैंने एंट्रेंस दिए थे DU के भी, जामिया के भी, तो जामिया में बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हो गया। बायोइन्फॉर्मेटिक्स मुझको एक्चुअली पसंद आया था इधर बैचलर्स में ही, जब दयाल सिंह में पढ़ रही थी तो एक सेमेस्टर हमने पढ़ा था, तो बहुत इंटरेस्ट आया था उसमें कि कंप्यूटर्स है आपका, बायोलॉजिकल साइंस है, बड़ा अच्छा ये तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो बहुत खुशी हुई जब जामिया में हो गया। फिर इधर आए, जामिया आए, तो इधर भी 2 साल मतलब मैंने ना लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से देखा, जो जितने भी हर्डल्स कह लीजिए या कुछ भी था, तो उस चीज़ से ना मतलब बहुत कुछ सीखा है। वो 5 साल जो मेरे इधर गुजरे हैं दिल्ली में, वो बहुत, मैं तो कहती हूँ मेरी पूरी अब तक जो लाइफ टाइम है और शायद आगे भी रहेगा, तो बहुत एक्सपेंसिव मेरे 5 ईयर्स मैं कहूँगी उसको, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं। फिर उसके बाद मैंने दो महीने के लिए इधर जामिया हमदर्द में स्टूडेंटशिप करी थी, तो उधर भी मतलब मेरी मेंटर भी अच्छी थी उधर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ना लाइफ को बहुत करीब से देखा, और फिर फैमिली सपोर्ट भी था,
सभी कुछ था। अच्छा दूसरी चीज़ ये, मेरी मदर जो थी थोड़ा कि पीएचडी के थोड़ा वो थी कि नहीं आप पीएचडी नहीं करेंगी, तो खैर मेरे फादर इतना वक्त नहीं होता, इतना वक्त नहीं होता, एग्जैक्टली यूनिवर्सल एग्जैक्टली अब वो मदर्स वाला माइंड तो ये होता है ना भाई शादी करनी है, लेकिन हम लोग के माइंड में सबसे पहले होता है कि आप पहले अपना कुछ इंडिपेंडेंट एक तरह से हो जाए, क्योंकि लाइफ में आपको नहीं पता आगे क्या आने वाला है। बिल्कुल सही। तो उसके लिए आपको रेडी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खैर वो बस मौका मिला चाइना का और चले गए चाइना। तो आपको लगता है कि आप अपने ड्रीम्स के बहुत करीब हैं या पहुंच चुके हैं वहां तक? माशाल्लाह, मुझको लगता है कि हाँ वाकई में इतने साल जो मेहनत करी है बचपन से लेकर अब तक, वो अल्लाह ताला ना कहते ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वो अल्लाह ताला दे रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि जो जो भी एक चीज़ ये होती है ना कि इंसान एक इंसान के ऊपर जो हालात गुजरते हैं वो खाली उसका ही नहीं उसका टेस्ट हो रहा है, वो उनके आसपास के जो लोग होते हैं ना उनका भी टेस्ट होता है। वो आप उसमें किसी दूसरे की लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे आसपास जो भी लोग थे उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मॉरली भी इमोशनली भी हर तरह से, क्योंकि एक इंडिविजुअल को बनाने में या उसको तोड़ने में कह लीजिए बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की ना कि मैं ऐसे लोगों के आसपास रही हूँ कि मुझे उनसे हमेशा मतलब पॉजिटिव थिंकिंग ही आई है कि अगर लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो आपको ना सबसे सिंपल थिंग है आप सॉर्ट आउट करिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, उसमें आप चुनिए कि आप क्या आपके लिए बेस्ट रह सकता है और फिर बाकी अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होता है। चलिए, तो मेरा जो सवाल आने वाला था कि हर्डल्स इन माय ड्रीम्स, ये हमारा थीम है इस शो का, जो लड़कियों की बातें हैं इसका थीम यही है कि हम लड़कियों की ज़िंदगी में आने वाली जो रुकावटें हैं उनके सपनों तक पहुंचने में उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने पॉजिटिविटी के बारे में बात की, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी मुनीबा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ आपको ऐसा लगा कि ये हर्डल्स हैं, ये रुकावटें हैं जो मेरे सपनों तक पहुँचने में मुझे सामना करना पड़ रहा है इन चीज़ों का, तो वो क्या चीज़ें थी, क्या रुकावटें थी? देखिए अब लड़कों का तो मुझे नहीं इतना पता, लेकिन लड़कियों की लाइफ में भी एक पॉइंट ऐसा आता है ना जब लड़कियां सोचती हैं कि यार कब तक पापा पर डिपेंडेंट रहेंगे ना, पापा को भी थोड़ा फ्री करना चाहिए, वो कब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उस टाइम लगता है कि आपको अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना चाहिए, आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं कि आपके वो पैकेज भी अच्छा मिलेगा, जॉब मिलेंगी अच्छी, वो भी नहीं, और आपको साथ साथ पढ़ाई भी देखनी है, तो उसके लिए आपको अपना सर्वाइवल करना इम्पोर्टेंट है। उसमें काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं क्योंकि सब कुछ मैनेज करना, अगर आप अपना घर भी मैनेज कर रही हैं और आपको अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है और आपको सर्वाइवल भी करना है, तो उसमें थोड़ा हर्डल्स होते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कर सकती हैं। दूसरा चीज़, मुझको रिसर्च में इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में तो था ही बहुत ज़्यादा, तो मैं उसी चीज़ में लगी रही और मुझको था कि नहीं कुछ आगे करना ही है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स हुई कि हाँ कैसे मैनेज करें, बहुत उस टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, लेकिन वही अल्लाह ताला ने रास्ते खोले और फिर उधर गई। जब चाइना गई तो वहाँ जाकर ठीक है थोड़ा लगता है कि हाँ भाई वो पीएचडी लाइफ जो होती है वो तो सभी की सेम ही होती है, लेकिन वहाँ अच्छा लगा कि वहाँ सीखने के लिए मुझे बहुत कुछ मिला है, वहाँ मैंने दूसरा कल्चर भी देखा है, वहाँ दूसरे कल्चर में आप अपने आप को कैसे सही रख सकते हैं वो भी देखा है, तो ये चीज़ें हैं इंसान को ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस और अल्लाह ताला पे जो भरोसा है वो कहीं नहीं खोना चाहिए।